नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। यूपी के नजीबाबाद जिला बिजनौर में एक बड़ी खबर सामने आई है। नजीबाबाद तहसील के क्षेत्र नांगल में सोती पशु चिकित्सालय पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया और जमकर हंगामा खाटा। किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि पशु चिकित्सालय में दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है और किसान को आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर जितेंद्र कुमार पहुंचे और किसानों के आरोपों को निस्तारण करते हुए जांच करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के नांगल सोती पशु चिकित्सालय पर भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि पशु चिकित्सालय पर दवाई भी उपलब्ध नहीं है। वहां तैनात चिकित्सा अधिकारी उचित व्यवहार किसानों के साथ नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि कुछ ही दवाइयां पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध हैं। रिकॉर्ड रजिस्टर देखने पर पता चलता है कि सिर्फ कुछ किसानों के नाम पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन वो किसान क्षेत्र में है ही नहीं। इस प्रकार का घोटाला स्पष्ट नजर आ रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को आश्वस्त करते हुए जांच करने को कहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। किसानों को दवाई अभी अस्पताल पर उपलब्ध नहीं है, किसानों को टकरा दिया जाता है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। खरीददार मजबूर हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से वो दवाई खरीदे। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है। जी, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह यहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, आज मुझे भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा पशु चिकित्सालय नागल पे धरने की सूचना मिली। मैंने इन लोगों से कुछ फोन पर बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उससे समाधान होने की संभावना नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अभी आपने इन्होंने आरोप लगाया कि दवा का वितरण बाह्य बेचा जा रहा है और उसमें घोटाला हुआ है। जिन किसानों के नाम है यहाँ उनके वे प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है आसपास में जहाँ पर भी, लेकिन ये क्या किस पर आपको नहीं लगता कि घोटाला हुआ इस मामले में? मेरा अनुभव है कि यहाँ पे आने वाली कोई भी दवाई की बिकने का तो सवाल नहीं उठता कि ये बेच देंगे। डॉक्टर, दूसरा, इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि फलाने आदमी का तो उस गांव में नाम ही नहीं है, मतलब उस गांव का रहने वाला नहीं है। जी, जी। ये वास्तव में एक जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा किन परिस्थितियों में इनके द्वारा किया गया है। जी हाँ, ये आपने पशु चिकित्सालय पर धरना दिया, आप बताएं इसके बारे में। बताना क्या है, यहाँ हम लोग आए जैसे शिकायत मिली। पहली बात तो पूरे प्रदेश में इस बार जो खुरपका मुंह पका के टिक्के नहीं आए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे, यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात की तो इन्होंने बताया कि मुझे चार जगह का चार्ज मिला हुआ, मैं काम कैसे करूं? फिर इनके रजिस्टर देखे, इनमें सारा घोटाला रजिस्टरों में। यहाँ किस प्रकार का, जिन किसानों के नाम अंकित है यहाँ रजिस्टर में, वो किसान है ही नहीं उस नाम के उस गाँव में। इस पूरे प्रकरण से ये पता चलता है कि इस तरह की धांधली पशु चिकित्सालय में चल रही है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनसंदेश टाइम।